हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अभी सेफ होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर हम कुछ टर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं, प्रोबेबिलिटीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात होने वाली है इस वीडियो में कि क्यों ट्रेडर ऑलवेज़ यहाँ पे पैसा गंवा देता है, ठीक है, क्यों रिटेलर्स का ऑलवेज़ लॉस हो जाता है। बहुत छोटी सी चीज़ है, लोग इस चीज़ को माइंड नहीं करते हैं और इसी की वजह से उनका लॉस होता है। अगर ये चीज़ आप जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ, अगर वो चीज़ आप सीख जाते हो तो डेफिनेटली आप एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। नो मैटर आपका टीए कितना अच्छा है, आपकी प्रोबेबिलिटीज़ कितनी अच्छी है, आप कितना अच्छा चार्ट को एनालाइज करते हो। ये वो सीक्रेट्स हैं जो जो कोई भी ट्रेडर जल्दी यहाँ पे डिस्कस नहीं करता। पता सबको होता है बट ज़्यादा आदमी डिस्कस नहीं करता। उसको ट्रेडर्स अपने रियल लाइफ में तो यूज़ करते हैं बट लोगों के साथ ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। तो आप लोग भी होपफुली कि यहाँ पे रिलेट कर पाओगे जो चीज़ें मैं बताऊँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी लोग नए हैं ट्रेडिंग में उनके लिए थोड़ा समझना मुश्किल होगा, बट जो पुराने लोग हैं वो समझ पाएंगे। आप दुनिया का कोई भी सेटअप यूज़ कर लो, आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 70% से लेके 80% तक होगी, ठीक है, उससे ज़्यादा हो नहीं सकती। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर आप 10 ट्रेड कर रहे हो तो 10 में से आपकी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 8 ट्रेड या 7 ट्रेड ही सही जाने वाली है, उससे ज़्यादा ट्रेड आपकी सही यहाँ पे जा नहीं सकती, ठीक है। आप 10 में से 10 ट्रेड सही नहीं कर सकते हो। आपको कुछ भी बता दिया जाए, कितनी भी अच्छे एनालिसिस कर लो, दुनिया भर की चीजें सीख लो, तो आप नहीं कर सकते हो आपका कोई भी सेटअप हो, ठीक। पहली चीज ये क्लियर हो गई। तो आपको पता है कि आप 10 में से 7-8 ट्रेड करते हो तो उसमें आप 3 या 4 ट्रेड आप लूज करने वाले हो, ठीक। ये आपका क्लियर हो गया कि 3 से 4 ट्रेड आप लूज करने वाले हो। ये दो पॉइंट आप पहले क्लियर कर लो। उसके बाद आप अपना ट्रेडिंग जर्नल उठाना। हाँ, आई नो 90% लोगों के पास नहीं होगा। मैं हमेशा से अपनी वीडियोज में कहता आया हूं कि ट्रेडिंग का जर्नल बना के रखो ऑफलाइन। बट एक काम करना, ऑक्टाएफएक्स पे जाना जहां पे आपने फॉरेक्स की ट्रेड की हो, या ऑप्शन में जाना, या कहीं पे भी एक बार आप जाना और चेकआउट करना इस चीज को कि आपने कितनी ट्रेडें यहां पर कितनी ट्रेडें आपने सही की, लगातार कितनी ट्रेडें आपने सही की, ठीक। कितनी आपकी विनिंग स्ट्रीक है, हाईएस्ट विनिंग स्ट्रीक क्या है, हाईएस्ट विनिंग स्ट्रीक इन द सेंस कि आपने एक बार में लगातार कितनी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स कर ली। मतलब आपने लगातार अगर 3-4 प्रॉफिटेबल ट्रेड की तो आपका लॉस आ गया, या फिर आपने 6 प्रॉफिटेबल ट्रेड कर लिया फिर आपका लॉस आ गया, या फिर आपने 6 लॉसेस के बाद एक प्रॉफिट किया है। तो आपको इससे अपने विन रेशियो और विन रेट का पता यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आप थोड़ा सा समझे होगे। जो विन रेट विन रेशियो जिसको नहीं पता है, प्रीवियसली मैंने वीडियोस बनाई हुई है, आप उसमें चेकआउट कर लेना, आपको मिल जाएगा। बट अभी दोबारा टॉपिक पर आते हैं। जब आप इसका एक जर्नल बनाओगे तो आपके पास 2 से 3 डाटा होना चाहिए कि मैं एक साथ प्रॉफिटेबल ट्रेड कितनी कर सकता हूँ। हर आदमी का लिमिटेड ही होता है, ठीक है, अनलिमिटेड नहीं होता है। आप 3 ट्रेड के बाद आपको पता है आपका लॉस आता है। जैसे मान लीजिए आपने अपने 3 महीने का डाटा निकाला, आपने देखा 3 महीने में 3 बार ऐसा हुआ है कि मैं 4 बार लगातार प्रॉफिट कर रहा हूँ, फिर मेरा लॉसेज एंड लॉसेज आ रहे हैं। तो आपने 4 बार 3 बार और 2 बार, ये आपकी स्ट्रीक है। आप इस तीनों को ऐड करके एक एवरेज निकालो तो आपको निकल के आएगा कि आप हर 3 ट्रेड के बाद एक गलत ट्रेड करते ही करते हो, और लूजिंग स्ट्रीक भी सेम आपको इसी तरह निकालनी है कि मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरा सेटअप कितना भी गंदा हो जाए, कितनी भी मार्केट वोलेटाइल हो जाए, मैं 3 ट्रेड के बाद तो मेरा प्रॉफिट होता ही होता है, ठीक है। ये एक डाटा स्टडी होती है जो आपको अपने ऊपर करनी पड़ेगी। देखो, ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जो लोग इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं ये वही लोग होते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, जो एजेस को पकड़ते हैं। ट्रेडर का एक एज होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ इस चीज़ को, हर ट्रेडर का, हर सक्सेसफुल आदमी का एक एज होता है, क्योंकि जो चीज़ें पब्लिक हैं, यूट्यूब पर हैं, उसको सब कोई देखता है, बट इन चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं देता, ठीक है। इन सब कॉन्टेंट पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, ज़्यादा चीज़ें नहीं आती, दैट्स वाई इसको ज़्यादा कोई बनाता नहीं है। बट मैं बना रहा हूँ आप लोग के लिए, तो आप लोग को इसको सही से समझना है एटलीस्ट जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो आपको अपनी लूजिंग स्ट्रिक्स यहाँ पे पकड़नी है, विनिंग स्ट्रिक्स पकड़नी है। उसके बाद आपको क्या करना है, मान लीजिए आपने $1,000 से स्टार्ट किया, ठीक। आपका पहले दिन प्रॉफिट हुआ 100 का, 1100 हो गया, दूसरे दिन 100 का 1200, तीसरे दिन 1300। अब आप 1300 का प्रॉफिट कर गए। आप जानते हो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे आती है, जैसे आप मान लीजिए ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो 20x लेवरेज लेके, जिसमें कोई गलत बात नहीं है, 50x तक भी ले सकते हो, बट अभी आप पोजीशन साइजिंग जो यहाँ पे थी, आपका था यहाँ पे 50 कॉन्ट्रैक्ट था, यहाँ पे आपका 50 कॉन्ट्रैक्ट था, यहाँ पे आपका 50 कॉन्ट्रैक्ट था, बट आपका पोर्टफोलियो 30% ग्रोथ हो चुका है, तो आप इस 50 को अगले दिन 70 कर दोगे, ठीक। और इस 70 पे अगर 10% का लॉस होता है, 20% का, अगर आप 2 दिन भी लॉस कर जाते हो, अगर 2 दिन भी आप यहाँ पे लॉस कर जाते हो और 10% लॉस करते हो, तो आपका 7 पहले दिन और 7 अगले दिन, यानी 14, यानी जो आपने 3 दिन में कमाया इसी में आप 2 दिन में सिर्फ गवा देते हो जो कि डिसाइडेड था। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक। आपको पता था कि मेरा लॉस होने वाला है, फिर भी आपने कुछ किया नहीं, आपने उल्टा अपनी पोजीशन साइजिंग बढ़ाई एक तो, ठीक है, एक तो आपने पोजीशन साइजिंग अपनी बढ़ाई, ऊपर से आपने खुद लॉस को आने दिया,
और यहाँ पे खुद लॉसेस के टाइम पे अपनी पोजीशन साइजिंग को इंक्रीज कर दी। आप समझ रहे हो इस बात को जो मैं यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, मैं क्या चीज़ें आप लोग से बोलना चाहता था कि आपने जो यहाँ पे प्रॉफिट किया, आपने यहाँ पे लॉस कर दिया, फिर आप लोग को इन द एंड समझ में नहीं आता कि आप लोग की गलती क्या है। कई लोग समझ ही नहीं पाते कि उनसे गलती हुई क्या। उनको अपनी पोजीशन साइजिंग को यहाँ पे डिक्रीज करना चाहिए था और यहाँ पर इंक्रीज करना चाहिए। ये कैसे होगा आगे वीडियो में इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, बट ये चीज़ होती है फिर लोग अपनी एनालिसिस को कोसते हैं, फिर कहते हैं मैंने एनालाइज गलत किया, मेरा लॉस कैसे हो गया। देखो एज अ ट्रेडर लॉस तो आप करोगे ही करोगे। मैं आपको स्टॉक मार्केट्स में ऐसे ऐसे ट्रेडर बता सकता हूँ जिनकी प्रोबेबिलिटी 60% की नहीं है, बट वो करोड़ों रुपये कमाते हैं, महीने के हफ्ते के करोड़ों कमाते हैं, ठीक है? ऐसे ऐसे ट्रेडर मार्केट में पड़े हुए हैं, ठीक है? तो ये चीज़ आप थोड़ा सा समझो। अब यहाँ पे बात करते हैं इससे टैकल कैसे करना है। प्रॉब्लम सब कोई बताता है, सॉल्यूशन कोई नहीं बताता, ठीक? मान लो आप 10 ट्रेड करते हो, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रेड आप मान लो, ठीक। इसमें आपको पता है आप प्रॉफिट 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 एंड लॉस 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 करोगे और उसके बाद आपका प्रॉफिट प्रॉफिट होगा, ठीक। ये आपको पता है कि आपका ये विनिंग स्ट्रीक्स है, ये लूजिंग स्ट्रीक्स है, दोनों एक साथ आएंगी और ये फिर आप एंड करोगे प्रॉफिट के साथ। आपकी आपको मैंने बताया स्टार्टिंग में ही आपको एनालाइज करना है, ठीक है? ये आपको कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा या फिर कोई इन्फ्लुएंसर नहीं बताएगा। आप चाहे पेड उससे क्लास ले लोगे, आप मुझसे भी पेड क्लास भी ले लोगे ना मेरी, तब भी मैं ये चीज़ आपको एनालाइज करके नहीं बता पाऊंगा कि आपकी विनिंग स्ट्रीक्स और लूजिंग स्ट्रीक्स क्या है, क्योंकि उसमें इमोशंस साइकोलॉजी दुनिया भर की चीज़ें आती है। वो आपको फाइंड आउट करना है कि क्या है। वो आप जर्नल बना लो, कॉपी पेन में लिख लो, अगर आप ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हो तो आपको करना ही पड़ेगा। इसका कोई अलग रास्ता है नहीं आज के टाइम में। तो आपने निकाला यहाँ पे कि मैं 3 ट्रेड प्रॉफिटेबल कर सकता हूँ, ठीक। आपने 3 ट्रेड प्रॉफिटेबल किया, आपने यहां से 50 50 और 50, 150 आपने कमाया, ठीक है? 150 कमाने के बाद आपको ऑटोमेटिक अपनी पोजीशन साइजिंग को हाफ कर देना है, तुरंत हाफ करना है। फिर आप यहां पे 2 2 4 2 6 1 7 7.5, ठीक, 2.5 के हिसाब से मानोगे तो 5 2 7 7.5 आप लॉस करोगे। आपने 15 का प्रॉफिट किया, 7.5 लॉस किया, उसके बाद भी आप यहां पे जो है 7 या 8 प्रॉफिट में चल रहे हो, ठीक है? आप इसके बाद भी प्रॉफिट में ही चल रहे हो, 7.5 आप प्रॉफिट में ही हो। आप यहाँ पे जो अपने प्रॉफिट में किया, आपकी जो ये एक्चुअल कैपिटल 100 है, इसमें अभी भी आप प्रॉफिटेबल हो, ठीक। आपने प्रॉफिट भी कर लिया, लॉस भी कर लिया, फिर आपको पता है अब इतने लॉसेज आ गए, मेरा सेटअप ठीक है, मेरी ट्रेडिंग ठीक है, मेरा सब कुछ ठीक है, मैंने ओवर ट्रेड नहीं किया, मैंने गैम्बलिंग नहीं किया, मैंने रिस्क मैनेजमेंट किया, अब तो प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक, जो आपकी विनिंग स्ट्रीक्स आपसे कहती हैं। आप दोबारा पोजीशन साइजिंग अपनी नॉर्मल कर लोगे, आपको फिर से 5 और 5 प्रॉफिट हो जाएगा। आपको 15 20 और 25 का प्रॉफिट हुआ और आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपको सिर्फ इसका आधा 2.5 और 2.5 का लॉस हुआ। तो ये सारी चीज़ें, ठीक, आपको टोटल ओवरऑल 20 का प्रॉफिट हो गया यहाँ पे। तो देखो यही सारी चीज़ें हैं जो एक ट्रेडर को ट्रेडर बनाती हैं। बहुत स्लो प्रोसेस होता है। स्लो प्रोसेस इसलिए होता है कि देखो ट्रेडर्स कहाँ पे मात खाते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं, ट्रेड भी कर लेते हैं, ट्रेड स्टार्ट हो जाती है उनकी, ठीक है? एक बार मैं इसको सबको क्लियर कर देता हूँ, ठीक, तो आप और अच्छे से समझ पाओगे कैसे क्या चीज़ें। देखो ट्रेडर अपनी जर्नी स्टार्ट करता है $1,000 $10,000 $5,000 कैपेबल जितना भी होता है, जितना उसका बैकग्राउंड होता है, नौकरी वाला होता है या घर से पैसे मिलते, कुछ भी होता है, 8-10 हज़ार मैं मान के चलता हूँ एवरेजली $5,000, ठीक, 3 लाख 4 लाख रुपये सब लोग लाते हैं। 3 लाख 4 लाख रुपये आप मार्केट में लेकर आए, आपने ट्रेड करना स्टार्ट किया, सारी चीज़ें की, आप प्रॉफिटेबल हुए, 4-5 लाख आपने सुना होगा, 90% आपने सुना होगा, सर मैं 5 लाख लाया था, मेरा डबल हो गया था, फिर मेरा लॉस हो गया। मैं अपने सामने आपको स्टोरी बताता हूँ, मैंने पिछले बुल रन में मैंने किसी को सिर्फ मतलब लाखों से करोड़ों बनवाए थे मेरे, मैंने उसके लाखों से करोड़ों बनवाए थे, ठीक है? मैं नहीं कहूँगा मैंने बनवाए थे, बट हाँ मैंने उसको ट्रेडिंग आइडियाज़ दिए थे, मैंने उसको टिप्स दी थी, उसने ट्रेड किया था, मार्केट भी अपने साथ थी, बुल मार्केट थी, सारी चीज़ें थी, और आज मेरी उस बंदे से बात नहीं होती है क्योंकि वो शायद उसने क्रिप्टो छोड़ दिया। बट एक गलत ट्रेड ने, आप विश्वास नहीं करोगे, सिर्फ एक गलत ट्रेड ने उसके करोड़ों को दोबारा लाखों पे ले आया। और उसके बाद जब मार्केट, आप लोग को याद होगा, ऊपर जाने के बाद जब मार्केट ने करेक्शन लिया था, जब सेकंड टाइम ऑल टाइम हाई बनाया था, तो उसका लॉस रिकवर हो गया था वहाँ पे उसका। तब तक मुझसे कॉन्टैक्ट था, मैंने उसको उस टाइम भी बोला कि अब निकल जाओ, लेकिन वो कहता था सर इतना नीचे जाने के बाद, उसका लॉस डॉट कॉइन में हुआ था, मैं आपको बता दूँ, उसने मुझसे ये बोला कि सर इतना नीचे जाने के बाद मार्केट इतना ऊपर आई, इस बार तो नया ऑल टाइम हाई और ऊपर जाएगा। तो आई डोंट नो कि करंट पोजिशन क्या है उनकी और कैसे क्या है, बट जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दी, ठीक है?
क्लियर कि ऐसे चीज़ें मार्केट में होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे कुछ सीखे होंगे, कुछ समझे होंगे, जो मैं बताना चाहता हूँ मेरा पॉइंट क्लियर होगा। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, मेक श्योर आप इसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। काफ़ी कम मेंबर्स हैं अभी यहाँ पे, बहुत जल्दी हम 500 यहाँ पे पहुँचने वाले, उसके बाद हम गिव अवे फॉर श्योर करेंगे। आप यहाँ पर अगर आओगे तो आपको सारी चीज़ें पता लगेगी कि जब भी मैं यहाँ पे ट्रेड्स देता हूँ तो मैं ये चीज़ें आप लोग को बोलता हूँ, ठीक है। कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कोई भी चीज़ें की, यहाँ पे मैंने आपको बोला, ठीक है। नीचे आते हैं, थोड़ा सा और नीचे आते हैं। हाँ देखो, शॉर्टिंग 21,400 कॉल ऑप्शन क्वांटिटी हाफ, मैंने बाद में एक्सप्लेन भी किया वीडियोस में कि क्वांटिटी हम क्यों हाफ कर रहे हैं, क्यों, कैसे, क्या चीज़ें हैं। और यहाँ पे देखो, होप यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाई आई एम सेइंग फॉर हाफ क्वांटिटी, ठीक है। क्योंकि जब अपना प्रॉफिट हो रहा था, फिर यहाँ पर अपना एसएल हिट हुआ, मुझे पता था कि मेरी विनिंग स्ट्रीक्स इतनी है, मेरा एसएल हिट होगा मार्केट में। काफ़ी लोग कहेंगे सर आपकी को पता है जब एसएल हिट होने वाला है तो ट्रेड ही मत लीजिए, ठीक। काफ़ी लोग बोलेंगे कि सिर्फ 0.10 से ले लो ट्रेड, बस नाम की ट्रेड ले लो। तो देखो, ऐसा है कि मार्केट के साथ अगर आप ज़्यादा दिमाग लगाओगे ना तो मार्केट सुप्रीम है, मार्केट आपको ऐसा बाहर करेगी कि आप कभी इन नहीं हो पाओगे। तो ये मत सोचो कि हमेशा कमा के घर ले जाओगे, थोड़ा मार्केट को दो तो मार्केट तुम्हें बहुत ज़्यादा रिटर्न देगी। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो का टॉपिक पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। मेक श्योर आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस की कॉल आती रहती है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, इन सारी चीज़ों को फॉलो करके बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।